दुकान में सेल्समैन जो थे वो वही लोग हैं। अल्ताफ साहब भी उसी पीडीपी के एक फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, जो कल तक मैंने आपको कहा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जिन लोगों ने लूट खसोर की कश्मीर में, ये उनके पार्ट एंड पार्सल थे। अब इनको लगा कि इस दुकान में कस्टमर जो है, कस्टमर को इतना पता है कि यहाँ पे जो आज तक सामान हम बेच रहे हैं वो सामान ख़राब है, और जो सामान हम आज बेच रहे हैं लोगों को वो गवारा नहीं होता, वो चाहते हैं कि नई चीज़ें खरीदें। तो इन लोगों ने उस दुकान का बोर्ड और दुकान का जो सेल्समैन है वो बदल दिया। 4 अगस्त को यही माँ बेटे बाप जो थे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिले, तो क्या बात हुई वो तस्वीरी बयां करती है कि वहाँ पर क्या बात हुई। जो लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं, जो खुद आपस में बटे हुए, ये लोगों का के लिए क्या करेंगे। ये लोग कल तक ये दावा करते थे, जब 370 हटा इन लोगों ने कहा म्यूनसिपल इलेक्शन हम जॉइंटली लड़ेंगे, पीजीडी अलग इलेक्शन लड़ेगी। इन लोगों के पास कोई कोऑपरेशन है नहीं, ये लोग खुद बंटे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आज भी हम लोगों को 370 या कुछ भी बता ले, इनको लगता है कि लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। तो लेके बच्चा क्या आर्मी कैंप में टॉफ़ी लेने गया, जो कल तक ये बता रहे थे कि कश्मीरियों को गोली मारो, वो आज हमारे रहबर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों को पता है और आने वाले वक्त में लोग इनको ठुकरा देंगे। चीज़ जहाँ तक ताल्लुक है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये वही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो पिछले 30 साल से आज़ादी, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इसके नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। जब 370 हट गया, मुझे अभी याद है इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक स्टेटमेंट आया था कि दुनिया की कोई ताकत इस 370 को नहीं हटा सकती। ये भी बताया गया था अगर मोदी साहब अगले 10 साल में भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर भी वो उनके पास इतना ताकत नहीं है कि वो 370 हटा पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 370 हटने से पहले 4 अगस्त को यही माँ बेटे बाप जो थे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिले, तो क्या बात हुई वो तस्वीरी बयां करती है कि वहाँ पे क्या बात हुई। और जो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये दावा करते हैं कि इन्होंने एक फ्रंट बनाया था, ये कह सकते हैं पीजीडी उन्होंने बताया था। लेकिन आपका जो सवाल, आपने कहा कि ये आपस में आजकल लड़ रहे हैं, ये उस चीज़ का ये चीज़ है कि जो लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं, जो खुद आपस में बटे हुए, ये लोगों का के लिए क्या करेंगे। ये लोग कल तक ये दावा करते थे, जब 370 हटा इन लोगों ने कहा म्यूनसिपल इलेक्शन हम जॉइंटली लड़ेंगे, पीजीडी अलग इलेक्शन लड़ेगी। इन लोगों ने एक एक सीट पे हर किसी जगह अपने प्रॉक्सीज खड़ा कर लिए। जहाँ पे इन लोगों ने ये कहा था कि इस सीट पे जेके पीडीपी की कोई कैंडिडेट है वो लड़ेंगे सीट, वहाँ पे एनसी का भी इन लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया था। तो बोलने का यही मकसद है कि इन लोगों के पास कोई कोऑपरेशन है नहीं, ये लोग खुद बंटे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आज भी हम लोगों को 370 या कुछ भी बता ले, इनको लगता है कि लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आज की जो यहाँ आवाम है वो होशियार आवाम है, उनको पता है कि 370 हटने से पहले इन लोगों ने, जो कल तक ये बता रहे थे कि बच्चा क्या आर्मी कैंप में टॉफ़ी लेने गया, जो कल तक ये बता रहे थे कि कश्मीरियों को गोली मारो, वो आज हमारे रहबर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों को पता है और आने वाले वक्त में लोग इनको ठुकरा देंगे। देखिए, मैंने आपको जब अभी बोला कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, आपने अल्ताफ साहब का नाम उनका नाम लेने से पहले मतलब अपने इशारा दे दिया, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अल्ताफ साहब भी एक टाइम के इन्हीं के थाली के चट्टे बटे थे। सिर्फ ये चीज़ हुआ कि इन लोगों ने नई दुकान खोली, नई दुकान का नया बोर्ड चला लिया, लेकिन दुकान में सेल्समैन जो थे वो वही लोग हैं। अल्ताफ साहब भी उसी पीडीपी के एक फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, जो कल तक मैंने आपको कहा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन लोगों ने लूट खसोर की कश्मीर में, ये उनके पार्ट एंड पार्सल थे। अब इनको लगा कि इस दुकान में कस्टमर जो है, कस्टमर को इतना पता है कि यहाँ पे जो आज तक सामान हम बेच रहे हैं वो सामान ख़राब है, और जो सामान हम आज बेच रहे हैं लोगों को वो गवारा नहीं होता, वो चाहते हैं कि नई चीज़ें खरीदें। तो इन लोगों ने उस दुकान का बोर्ड और दुकान का जो सेल्समैन है वो बदल दिया।